इस वीक हमने पाकिस्तान पेट्रोलियम को हाईलाइट किया था। पाकिस्तान पेट्रोलियम पाकिस्तान की बड़ी ईएनपी कंपनी में उसका शुमार किया जाता है। अगर हम कंपनी के रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया था। हमने देखा था कि एयर ऑन एयर बेसिस पे जो 9 मंथ का रिजल्ट आया था उसमें 56% की ग्रोथ देखने को मिली थी एंड जो सेल्स ग्रोथ है वो 52% की थी। रिसेंटली जो अच्छा रिजल्ट आया उसका मेजर रीज़न यही था कि जो डॉलर इंडेक्सेशन है उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है कंपनी को एंड जो कंपनी ने अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी फील्ड्स हैं वहाँ से अपनी जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ हैं उनको एनहांस किया था। आगे अगर हम जाके देखें तो कंपनी के लिए जो मेजर इशू रहेगा वो सर्कुलर डेट का रहेगा, बिकॉज व्हाट वी नो इज़ कि कंपनी का जो रिसीवेबल्स टू एसेट का रेशियो है वो तकरीबन मोर देन 58% है। बट बिकॉज IMF की जानिब से रिसेंटली गवर्नमेंट को कन्वे किया गया था कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करना है, सो मोस्ट लाइकली वील सी के गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि सर्कुलर डेट को रिजॉल्व किया जाए और ये एक की ट्रिगर पॉइंट होगा इस स्टॉक के लिए। सो दैट्स वाई कि बिकॉज ये जो 9th रिव्यू है इस हवाले से अब मोस्ट लाइकली हम देख रहे होंगे कि बजट के बाद IMF जो है SLA एग्रीमेंट कर रहा होगा एंड वील सी के अगर ये सर्कुलर डेट के हवाले से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक के लिए काफ़ी ट्रिगरिंग पॉइंट होगा एंड उससे जो है वो कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा मज़ीद एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। लास्टली बात कर लेते हैं स्टॉक की परफॉर्मेंस के हवाले से। हमने देखा है कि स्टॉक रिसेंटली इन मार्च वाज 84 एंड फेब में 73 हो गया था। हमें जो करंट लेवल्स हैं 65 के अराउंड वहाँ पर काफ़ी वक्त से कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है एंड वॉल्यूम्स में भी जो है वो ग्रेजुअल एक इजाफा देखने को मिल रहा है। सो इसके जो क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स हैं वो तकरीबन 63 के अराउंड हैं एंड 61 के अराउंड हैं। सो दैट्स वाई वी हैव हाईलाइटेड द स्टॉक कि स्टॉक जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दे रहा है। तो अगर हम लास्ट क्लोजिंग प्राइस से देखें तो वो तकरीबन 74% की अपसाइड प्रोवाइड करता है। तो दैट्स वाई वी हैव हाईलाइटेड दिस स्टॉक फॉर योर कंसिडरेशन। इस वीक हमने जो दूसरा स्टॉक हाईलाइट किया था दैट वॉज SNGP जो कि नॉर्दर्न पाइपलाइन है गैस के हवाले से। ये पाकिस्तान की एक बड़ी इंटीग्रेटेड गैस कंपनी है जो कि कंज्यूमर और कमर्शियल यूज़र्स को गैस प्रोवाइड करती है। स्टॉक को करंट लेवल पे हाईलाइट करने का मकसद ये था कि रिसेंटली वी हैव सीन के गवर्नमेंट ने अंडर IMF रिव्यू सर्कुलर डेट को कम करने के हवाले से काफ़ी मेजर्स लिए हैं, जिसमें एक मेजर ये था कि जिसमें इन्होंने गैस प्राइसेस बढ़ाई थी एंड वी हैव सीन के जनवरी 2023 से गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस बढ़ाई हैं नॉट ओनली फॉर कमर्शियल यूज़र्स बट ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल यूज़र्स। सो उससे कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक और ट्रिगर पॉइंट इस स्टॉक के लिए ये है कि रिसेंटली जो कि मीटर रेंट के चार्जेस बढ़े हैं एंड जो टैरिफ बढ़ा है वो इस स्टॉक को काफ़ी हेल्प आउट करेगा अर्निंग्स को बूस्ट करने के लिए। कंपनी एक मेजर प्लान लेकर आई है जो एक 5-year प्लान है जिसमें ये अपने UFG लॉसेस कम कर रहे हैं एंड वी हैव सीन कि ग्रेजुअली कंपनी के लॉसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे अगर इसी प्लान को जो है वो कंपनी कंटिन्यू करती है। हमने इस स्टॉक को करंट लेवल पे हाईलाइट इसलिए किया था कि जो लेवल्स चल रहे हैं वहाँ पे हमें काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिली है अप्रॉक्स 1 week से एंड आज अगर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखें तो अप्रॉक्स 4 million शेयर्स जो हैं उसके ट्रेड भी हुए हैं। सो दैट्स वाई वी हैव हाईलाइटेड दिस स्टॉक। वी डू एक्सपेक्ट कि जो सर्कुलर डेट का रिजोल्यूशन है वो कंपनी के बैलेंस शीट को काफ़ी ईज आउट कर देगा एंड मोस्ट लाइकली जो रिसेंट टैरिफ बढ़ा है उसकी वजह से वील सी कि कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो CY 2023 एंड CY 2024 से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। कि जो गवर्नमेंट के प्लान्स हैं विद रिगार्ड्स टू सर्कुलर डेट के हवाले से जो रेजोल्यूशन लाना है उस हवाले से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होगा वो SNGP ही होगा। थैंक यू वेरी मच।